प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक को स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए गए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राठौर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कोविड काल में हर संभव सहायता जनता को प्रदान कर रही है। सरकार को भी इससे निपटने के लिए पार्टी सहयोग कर रही है। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हर दुखी आदमी को सहायता प्रदान करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक आपदा फंड एकत्रित किया है, जिनके माध्यम से प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि IGMC शिमला में वे स्वास्थ्य उपकरण प्रदान कर चुके हैं। सोमवार को COVID-19 अस्पताल नेरचौक में उनकी टीम व जिला कांग्रेस की टीम ने अस्पताल को बेड, व्हीलचेयर, फेस शील्ड, बीपी ऑपरेटर्स तथा हीट पिलर आदि भेंट किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकरण प्रदान करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले रोज वे मेडिकल कॉलेज टांडा में स्वास्थ्य उपकरण मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सौंपेंगे। उन्होंने जनता को संदेश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतें, और पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से उन्होंने आग्रह किया कि वे अपना सेवा भाव यूं ही जारी रखें और दुख की इस घड़ी में हर जरूरतमंद की सहायता करें। सर, आप बताएंगे आज यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल में आपने दौरा किया और यहाँ पे क्या क्या दिया, उसके बारे में? देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल होने के साथ अपना जो सामाजिक दायित्व है उसको भी उसका भी निर्वहन कर रही है। जब कोविड काल में हमारे लोगों ने जो प्रवासी मजदूर है, गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की, हमारी जो ज़िला कांग्रेस कमेटियाँ हैं, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हैं, वो इस दुख की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी हुई। हमने एक आपदा फंड की स्थापना की, उसमें हमारे पार्टी के लोगों ने अपना योगदान दिया। उस योगदान से हमने इक्विपमेंट्स खरीदे जो हमने शिमला में IGMC में दिए, आज हम नेरचौक में दे रहे हैं और कल जो है मैं टांडा मेडिकल कॉलेज में देने वाला हूँ। हमारा संदेश यही है लोगों को इस कोरोना काल में कि थोड़ा सावधानी जो है बरतने की ज़रूरत है, और हमारे पार्टी के लोगों से मेरा आग्रह है कि आपने बहुत ज़्यादा योगदान इस कोरोना काल में दिया है, आगे भी आप जहाँ ज़रूरत होगी हमारे लोग जो है कांग्रेस पार्टी के लोग जो है अपना योगदान जो है सरकार को भी देंगे और जो हॉस्पिटल्स है वहाँ भी हम जो है इक्विपमेंट्स आगे भी देंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ भाई, वो दलगत राजनीति के आधार पर नहीं होते हैं, और उसी तरह नगर निगम के चुनाव है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, वो ज़्यादा चुन के आए। और हिमाचल प्रदेश में आज जो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस समर्थित हमारे उम्मीदवार हैं जिनका हम समर्थन करेंगे, वो जो है बहुसंख्या में जो है जीत के आए। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, इस विषय में अगर मुझे बात करनी हो तो स्पष्ट तौर पे आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कोरोना महामारी फैली है, इसके लिए सीधे तौर पे पहले केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार जो है जिम्मेवार है। हमने स्पष्ट रूप से जब इन्होंने बॉर्डर खोले, हमने जाके सचिवालय के पास जो है धरना किया, प्रदर्शन किया। हमने कहा कि आप हिमाचल के बॉर्डर खोल रहे हैं लेकिन आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। भारी संख्या में जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे वो प्रदेश के विभिन्न भागों में जाएंगे, संक्रमण फैलेगा। लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी, जो केंद्र की गाइडलाइंस आई, जो केंद्र के दिशा निर्देश थे, उनका यहाँ जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने आँख मूंद के पालन किया। हमने उनको ये भी कहा कि हिमाचल की परिस्थितियाँ अलग है, आप यहाँ के मुताबिक निर्णय लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा अंदेशा था, मैंने स्वयं उस वक्त कहा कि हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये महामारी जो है फैलेगी, लेकिन सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं। आज परिणाम सामने है, आज हिमाचल प्रदेश जो है अव्वल नंबर पे पहुँच गया है। ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये सरकार की है, मुख्यमंत्री की है, जिन्होंने लापरवाही बरती। उसके बाद आप देखिए, हिमाचल को प्रयोगशाला बना दिया इन लोगों ने। रोज जो है ये फैसले लेते हैं,
और बदल देते हैं। इट इज़ ए बेसिकली रोल बैक गवर्नमेंट। हर दूसरे तीसरे दिन एक नई नोटिफिकेशन आ जाती है, ना तो अधिकारियों को पता लगता कि किस तरह से अनुपालना करनी है, ना आम जनता की समझ में अभी कुछ आ रहा है। ये सरकार की जो लापरवाही है और सरकार की जो निर्णय नहीं लेने की क्षमता है, इसका कारण आज हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आगामी